हरियाणा में एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, एक संस्था की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। देश में सबसे बड़ी समस्या अगर बेरोजगारी का कहीं पे है तो हरियाणा राज्य के अंदर है। हरियाणा में बेरोजगार आपको हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों में घूमते हुए मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने प्रण किया है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, हम लोग मिलकर करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं नरगढ़ के लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, अपने भाई मनीष यादव के लिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार जो भी सरकार बनेगी, हरियाणा में अगली सरकार जो बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी। और याद रखना, बैल के नाक में नकेल डाल के हरियाणा का किसान बैल को रास्ते पर लाता है, और सरकार की नाक में नकेल डाल के अरविंद केजरीवाल सरकार को सही रास्ते पर आने का काम करेंगे। जब रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा, जब चाबी सत्ता की केजरीवाल के हाथ में होगी, तो आपके मनीष यादव को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। याद रखना, ये वादा करके आपसे जा रहा हूं, इनको जिता देना। और उस रिमोट कंट्रोल से, उस सत्ता की चाबी से केजरीवाल आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सरकारी स्कूलों को बंद कराती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे का स्कूल बनाते हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में कराते हैं, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमको केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। तो सरकारी स्कूल बनाने का काम हम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हम करेंगे, इलाज फ्री करने का काम करेंगे। और माताओं बहनों के खाते में ये केजरीवाल की गारंटी है, हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि आपके खाते में जाएगी। और याद रखना, केजरीवाल बीजेपी वालों की तरह झूठ और जुमला नहीं बोलते, जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। अब भाजपा वाले आपसे सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, आपसे झूठ बोला। कहा था किसानों को फसल का दाम दोगुना करेंगे, आपसे झूठ बोला। कहा था महंगाई कम करेंगे, आपसे झूठ बोला। आपको महंगाई के गर्त में डालने का काम बीजेपी वालों ने किया, और आपको सिर्फ झगड़ा कराने का काम करते हैं, झगड़ा कराने का काम। बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, सिख को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पहलवान से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ। ये लड़ाई कराने वाली पार्टी है, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी है मेरे मित्रों, भारतीय झगड़ा पार्टी। तो ये जुमला बोलने वालों से, झगड़ा कराने वालों से, इनसे सावधान रहना। एक तरफ आम आदमी पार्टी है वो पढ़ाई की बात करती है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो लड़ाई की बात करती है। बीजेपी लड़ाई की बात करती है, केजरीवाल पढ़ाई की बात करता है। पढ़ाई वालों के साथ रहना, लड़ाई वालों के साथ मत रहना।